झारखंड हाई कोर्ट ने कल जो निर्देश दिया है कि भाई पहले तो आपके रीट को उसने सुनने के योग्य पहले तो यही होता था खारिज हो जाता सुनने के योग्य माना है आप इसको किस तरीके से देखें 8 तारीख को राजेश कुमार के, कोर्ट में ये सुनवाई हुई देर तक सुनवाई हुई हर पहलू पर उन्होंने सुना सुनने के बाद बोले कि हाँ ये केस सुनने योग्य है ये जो मांग है अभी तक आंदोलन के रूप में लड़ा जा रहा था जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में है वो अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से इस मांग को उठाते थे और उसका समर्थन भी होता रहा था आप पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहे हैं और आप डॉक्टर्स हैं आप समाज के पढ़े लिखे लोग हैं फिर आपको क्यों जरूरत पड़ी कि, कि हमको इस मांग को उठाना चाहिए जुरु और जरूरत इसलिए पड़ी पॉलिटिकली कोई जरूरत नहीं पड़ी हमारा असल पहचान हमारा असल पहचान हम प्रकृति के पुजारी हैं हमारा शादी ब्याह इसमें कोई ब्राह्मण का ये नहीं होता है ये ब्राह्मणिज्म हम लोग नहीं हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं सारना धर्म को मानते हैं है। इसलिए हमारी पहचान हमको ट्राइबल लिस्ट से हटा देने से हमारा पहचान खत्म हो रहा था आदिवासी कम्युनिटी है बोल रहे अगर आप कुर्मी को अगर हमारे में शामिल कर दिए तो हमारा हक मारा जाएगा हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस पड़ जाएगी ये बड़े मज़बूत लोग हैं ये आएंगे तो हम कहाँ रहेंगे हमारी जितनी चीजें हैं वो छीनी जाएगी नहीं नहीं ऐसी बात ही नहीं है बल्कि हम अगर आदिवासी होंगे तो हम पचास प्रतिशत से ऊपर यहाँ आदिवासी होंगे हमको हर सुविधा मिलेगा हम किसी का हक नहीं मर रहे हैं तो जो वर्तमान आपके कम्युनिटी से सांसद थे उन्होंने कहा कि भाई हमको आदिवासी नहीं बल्कि हम तो इनसे बड़े हैं ऐसा भी तर्क दिया जाता है टोटली गलत है ये टोटली गलत है उड़ीसा का कोई नहीं 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 टोटली गलत है नमस्कार सोशल संवाद में स्वागत है मैं शशि भूषण आज हमारे साथ डॉक्टर बी वी महतो हैं और कुड़मी समाज जो एक मांग कर रहा है आपको एस टी में दर्जा में शामिल करने को लेकर आपने देखा होगा इस मांग को लेकर समाज ने कई तरह के आंदोलन भी किए बड़े आंदोलन हुए लेकिन वो व्यक्ति जिन्होंने हाई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट में रीट दायर किया है डॉक्टर बी वी महतो वो हमारे साथ है पेशे से डॉक्टर हैं और आपने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो हम इस पर बात करेंगे कि जो हाई कोर्ट ने

तेईस मई से ये सुनवाई शुरू हुआ पहले तो हर महीना में सुनवाई होता था उसके बाद एक साल हर महीना सुनवाई होने के बाद अभी हाँ हाँ हा, हा। एक आ, हर महीना में सुनवाई होता था राजेश शंकर के कोर्ट में वो पूरा डिटेल सुने उसके बाद बेंच चेंज हो गया है, है, बेंच चेंज हो गया जिस जज के पास पड़ा था वो करीब लंदन छुट्टी में चले गए कुछ काम से जब आए तो फिर बेंच चेंज हुआ इसी तरह से देर हो गया उसके बाद फाइनली कल यानी कि आठ तारीख को राजेश कुमार के कोर्ट में ये सुनवाई हुई देर तक सुनवाई हुई हर पहलू पर उन्होंने सुना सुनने के बाद बोले कि हाँ ये केस सुनने योग्य है इसमें कुछ मेरिट है इसको स्वीकार एडमिट किया जा रहा है और इसको नोटिस इशू किया जाए कंसर्न अथॉरिटी को सर सवाल ये है कि इस मामले को लेकर पिछले दो तीन सालों से हम देख रहे हैं याचिका बनाने में आपका काफ़ी समय पहले तो रीट काफ़ी समय तक लगा जो वकील हैं आपके वो काफ़ी उन्होंने अध्ययन किया इसके बाद रीट बनाया इसलिए कि इससे पहले जितनी भी चीज़ें होती हैं पहले तो यही डर रहता था कि हमारा जो रीट याचिका होगा वो कोर्ट खारिज ना कर दे क्या उसमें उतना लेकिन सुनवाई भी एक साल पहले से चल रही है और अब जाकर कोर्ट ने सुनने योग्य माना है तो ये जो इतना वक्त लगा और इसके बाद एक खबर आई तो थोड़ा सा आप लोगों को राहत मिला होगा हाँ राहत तो जरूर मिला होगा हम लोग इतना दिन से एक्चुअली हम छः सात आदमी हम लोग करीब पचास साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नम नाम क्यों काट दिया हमारा कम्युनिटी का नाम ट्राइबल लिस्ट से 1950 का 6 सितंबर को क्यों काट दिया उसको हम लोग खोज रहे थे खोजते 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 खोज पता चला कि किस कारण से कटा है कारण यह है कि हम लोगों को हम लोग हैं यहाँ जो छोटनागपुर प्लेटू में परमानेंटली रह रहे हैं फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड फॉर लॉन्ग लॉन्ग ऐसे जेनेटिसिस्ट लोगों का अनुमान है कि हम लोग पैंसठ हजार साल पहले से यहाँ रह रहे हैं है। इसका उन लोगों को जेनेटिकली वो लोग, लोग प्रूव किया है और जेनेटिकली ये भी प्रूव किया है कि हमारा साथ अंडमान में एक ट्राइब है अंगे है। उसके साथ हमारा ब्लड मिलता है, है। ब्लड का फाइंडिंग्स मिलता है।, है तो उसी से वो लोग अंदाजा लगाए हैं कि आप लोग छोटनागपुर प्लेटू में करीब पैंसठ साल से ऊपर यहाँ रह रहे हैं और भी बहुत सा कारण है जिससे प्रूव होता है कि हम लोग इतना पुराने पुराने से पुराने हैं तो ये, सवाल ये है सर कि ये जो मांग है अभी तक आंदोलन के रूप में लड़ा जा रहा था जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में है वो अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से इस मांग को उठाते थे और उसका समर्थन भी होता रहा था आप पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहे हैं और आप डॉक्टर्स हैं आप समाज के पढ़े लिखे लोग हैं फिर आपको क्यों जरूरत पड़ी कि कि हमको इस मांग को उठाना चाहिए और जरूरत इसलिए पड़ी पॉलिटिकली कोई जरूरत नहीं पड़ी हमारा असल पहचान हमारा असल पहचान हम प्रकृति के पुजारी हैं हमारा शादी ब्याह इसमें कोई ब्राह्मण का ये नहीं होता है ये ब्राह्मणिज्म हम लोग नहीं हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं सारना धर्म को मानते हैं इसलिए हमारी पहचान हमको ट्राइबल लिस्ट से हटा देने से हमारा पहचान खत्म हो रहा था इसीलिए हमने लड़ना शुरू किया इस पर उस पर खोज करना हमने शुरू किया आ, हम खोज करना शुरू किया है छियासठ साल से उन्नीस से आज तक खोज करते करते तीन साल पहले हमको पूरा पता चला कि किस कारण वजह से हमको हटा दिया गया है और कारण यही हुआ है कि हमको पता चला उस समय ट्राइबल मिनिस्ट्री नहीं था होम मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री में हम डायरेक्टर जनरल से भी कई एक बार मिले उसके बाद कंसर्न वहाँ ऑफिसर से मिले उन लोगों का कहना है कि भाई कुर्मी आदिवासी नहीं होता है तो मतलब हम कुर्मी नहीं हैं हम कुर्मी हैं हैं तो अब डॉक्यूमेंट दिखाइए तब तो हम दूसरी बार डॉक्यूमेंट लेके गए डाल्टन का आ, 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 एच एच रिजले का ग्रियारसन का उसके बाद कुमार सुरेश सिंह का तब तो देखने के बाद बोला कि ये कन्फ्यूजन से आपको हटा दिया गया है कोई कारण नहीं है कारण ये है कि कुर्मी बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के कुर्मी आदिवासी नहीं होते हैं आप लोग कुर्मी नहीं हैं आप लोग कुर्मी हैं और आपका रिकॉर्ड भी बोलता है कि आप लोग कुर्मी हैं तो इसीलिए आप लोगों को हटा दिया गया है आप लोग फिर से दरखास्त दीजिए कुर्मी सब डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग विचार करेंगे तो हम लोग 2020 में दरखास्त थी उस समय ट्राइबल मिनिस्ट्री अलग हुआ वो बोला कि नहीं आपको नए सिरे से आराम हम लोग इसको नहीं मानते हैं तब हमको कोर्ट जाना पड़ा कोर्ट हमको ये लेकर के गए कि हम 1913 का नोटिफिकेशन हुआ जब पहला ट्राइबल नोटिफिकेशन हुआ ट्राइब का तो हमारा नाम उसमें है 1931 में नोटिफिकेशन फिर से हुआ उसमें हमारा नाम है उसके बाद उन्नीस uh, सौ में जनगणना में हमको प्रिमिटिव ट्राइब डिक्लेयर किया गया उसके बाद जब ट्राइब का लिस्ट होने वाला था उस समय एक कैबिनेट मीटिंग हुआ मीटिंग में यही निर्णय हुआ कि जो 1913 के नोटिफिकेशन में ट्राइब थे और उन्नीस की जनगणना में वो प्रिमिटिव ट्राइब थे तो उसको आदिवासी की लिस्ट में लाया जाएगा लेकिन दुखद बात है कि 1950 सौ सितंबर को जो लाया उसमें हमारा नाम दर्ज नहीं था संभवतः हमको लगता है कि हमारी जमीन छीनने के लिए एक कॉन्स्परेसी किया गया और उस कॉन्स्परेसी के अंदर हमको आउट रखा गया वेस्टेड इंटरेस्टेड लोगों ने हैं तो दो कारण हो जाता है एक वेस्टेड इंटरेस्ट कि इसलिए हम अगर आदिवासी लिस्ट में ट्राइबल लिस्ट में रहेंगे तो हमारा ज़मीन को इधर उधर नहीं ले सकता है हैं और हमको निकाल दे करके हमारा एक ठो झूठ मूठ का नोटिफिकेशन ला करके बोला कि ये हम यद्यपि छोटनागपुर सी एन टी एक्ट में प्रोटेक्टेड हैं लेकिन हमारी ज़मीन रजिस्ट्री हुई उन्नीस सौ से लेकर के जब तक तो हम हाईकोर्ट से नहीं गए थे ये लेकर के उन्नीस सौ तक भड़ धड़े से हमारी ज़मीन का रजिस्ट्री भी हुआ तो ये सब देखते देखने के बाद हमको लगा कि नहीं हमको कोर्ट जाना ही होगा हमारी जमीन की रक्षा के लिए हमारा आइडेंटिटी के लिए हमारा पहचान अ, असल पहचान के लिए तब हम हाई कोर्ट गए और हम जून जून 200 2022 में रिट फाइल किए उसी का सुनवाई एक साल से होते रहा कल आठ तारीख को फाइनली बहुत जोरदार हियरिंग हुआ और उसमें जज साहब बोले कि नहीं इसमें कुछ सुनने योग्य है इसको एडमिट किया जाता है और उन्होंने एडमिट किया और नोटिस इशू किया सवाल ये है कि इस मुद्दे को कोई भी जो सत्ता में है वो आपके हाथ डालने से डरता है कि आ, कहीं अगर हम डालेंगे इसलिए कि एक तरफ बाकी लोग आपके विरोध में भी हैं जो आदिवासी कम्युनिटी है वो बोल रहे हैं अगर आप कुर्मी को अगर हमारे हिस्ट्री में शामिल कर दीजिए तो हमारा हक मारा जाएगा हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ जाएगी ये बड़े मजबूत लोग हैं ये आएंगे तो हम कहाँ रहेंगे हमारी जितनी चीजें हैं वो छीनी जाएगी ये डर है और इसको लेकर वो भी विरोध कर रहे हैं और इसलिए कहीं ना कहीं देख रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी हो जनप्रतिनिधि एक समय आपको लोगों ने समर्थन किया है लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कोई भी खुलकर बोलने के लिए डर रहा है नहीं नहीं ऐसी बात ही नहीं है बल्कि हम अगर आदिवासी होंगे तो हम पचास प्रतिशत से ऊपर यहाँ आदिवासी होंगे हमको हर सुविधा मिलेगा हम किसी का हक नहीं मार रहे हैं और मोर ओवर हम हमारा ये कहना है कि जब हम ओरिजिनल आदिवासी हैं जेनेटिकली प्रूव्ड हैं तो हमको क्यों बाहर आदिवासी लिस्ट से रखा जाए हमारा परिचय वही है हमारा परिचय ट्राइब है तो हमको ल, रखा क्यों नहीं जाए रखा हमारा हमारा नाम भी इस ट्राइबल लिस्ट में रहना चाहिए इसीलिए हम हाईकोर्ट में फाइल हम किसी का हक़ नहीं छीन रहे हैं हम अपना हक मांग रहे हैं हम किसी का हक हाँ छीन नहीं रहे हैं और ये ये किसी को डरने की बात नहीं है हम अगर 50 प्रतिशत से ऊपर ट्राइबल जनसंख्या हाँ, तो हमको हर सुविधा यहाँ झारखंड में मिलेगा जो बाहरी लोग आकर के यहाँ धड़ल्ले से घुस रहे हैं आ, कुछ ल, लोग तो हिसाब लगाए हैं कि हर साल करीब करीब छत्तीस हज़ार लोग यहाँ आके सेटल कर रहे हैं तो हम हम लोग एक दिन हम और ट्राइबल लोग कहाँ जाएंगे एक दिन एक दिन पचास साल के बाद हमारा नामो निशान मिट जाएगा जैसे आप शहर जहाँ जहाँ बैठ रहा है हम वहाँ से दूर होते जा रहे हैं हमारी परिस्थिति ऐसी कि हम टाउन में रह नहीं सकते हैं हम जंगल की ओर भाग रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति ये टाउन बस जाएगा चारों तरफ झारखंड में तो हम लोग नेक्स्ट पचास साल सौ साल में एकदम विलीन हो जाएंगे इसलिए भी हम ये ये फाइट कर रहे हैं ये ज़रूरत है और हाई कोर्ट हम इसलिए गए हैं और हम जो गए हैं हम पूरा तैयारी के साथ गए हैं हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको यही एक साल पहले महाराष्ट्र का केस हुआ था उसमें लोगों के कोई भी ट्राइबल्स का कोई भी ट्राइब का अगर 1950 के पहले कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रूव करता है कि वो ट्राइब वो उस ट्राइब को नेगलेक्ट नहीं किया जाए उसको वैलिड माना जाए ऐसा फैसला ऐसा फैसला लिया गया है तो इसीलिए भी इसको देख करके हम आ, हाई कोर्ट में आगे गए हैं मेरा एक सवाल और भी है और... कि जब झारखंड में आज आज बत्तीस जनजातियां ट्राइब्स में हो गई हैं शामिल किया गया इसके बाद हो सकता है उसमें बारह तेरह था धीरे 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 जुड़ता गया अभी लेटेस्ट तमाड़िया और कई झारखंड में जोड़ा गया तो आप लोगों को नहीं लगता है कि भाई बारह से बत्तीस हो गया लेकिन हम जो है क्यों नहीं जुड़े गए और दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि जब आजादी के बाद उन्नीस के आसपास में जब कमेटी बनी कि शामिल किया जाए तो जो वर्तमान आपके कम्युनिटी से सांसद थे उन्होंने कहा कि भाई हमको आदिवासी नहीं बल्कि हम तो इनसे बड़े हैं ऐसा भी तर्क दिया जाता मैं कई लोगों से बात किया तो उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने तो खुद ही अपनी इच्छा से कहा कि हमको यह टोटली गलत, गलत, ये गलत, ये गलत पर, है यह टोटली गलत है उड़ीसा का कोई नहीं 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 वो टोटली गलत है या तो वो इग्नोरेंट आदमी है जानता नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अपना परिचय वो बदल देगा हमारा परिचय ही है हम ट्राइब है हम एबोरिजिनल हैं तो हम हम कैसे करेंगे कि हमें अपने, और वो हाँ, एक का, किसी का कहने से, और हमको लगता है कोई कहा नहीं गया है उसको जबरदस्ती लोग कह रहे हैं ऐसा कोई नहीं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि कोई कहा है कोई सांसद कहा है हाँ? उस समय एक तर्क और आपके खिलाफ दिया जा रहा भाई आप लोग तो जो अंग्रेज से उन्होंने लेकर खेती करने के लेकर झारखंड में आपको लिया महाराष्ट्र से गुजरात से और आप जो है उस समय 200 साल 300 साल पहले जब ये देश गुलाम था और आप कह रहे हैं कि हम पैंसठ हजार साल पहले से हैं तो ये देखिए हम नहीं कह रहे हैं ये जेनेटिसिस्ट कह रहा है ये जेनेटिसिस्ट कह रहा है कि अंदमान में जो ओंगे ट्राइब है उनके उनके साथ है आया वो लोग माना जाएगा एकदम माना जाएगा एकदम माना जाएगा इसलिए कि जेनेटिक जेनेटिसिस्ट जो कहेंगे उसका कोई कट नहीं है उसका कोई ये कोई आप उसको नकारक नहीं कर सकते हैं उनका जो कहना जैसे उनका जो कहना है कि हमारा जो जेनेटिक टेस्ट हुआ उनका जो जेनेटिक टेस्ट हुआ उसमें एकदम हूबहू मिलता है हैं तो इसीलिए ये ये टोटली गलत है ये हम कहीं से आए नहीं हैं हम आए हैं तो पैंसठ हज़ार साल पहले आए हैं जब अफ्रीका से सब लोग इधर उधर गए उस समय आए हैं और हम जो हम महाराष्ट्र आने का आने का सवाल ही नहीं आता है और सवाल ही नहीं आता है हम कहीं से आए नहीं हैं हम सबसे पहले यहाँ बैठे हैं चलिए धन्यवाद तो आप डॉक्टर बी वी महतो को देख रहे हैं इन्होंने ही झारखंड हाई कोर्ट गए हैं हालांकि एक जो कुर्मी समाज की लड़ाई आप सड़कों से लेकर संसद तक के देख रहे हैं संसद में सवाल उठाए जा रहा है सड़क पर आंदोलन आपने इन दो तीन सालों के अंदर देखा लेकिन डॉक्टर साहब जैसे जो समाज के इंटलेक्चुअल हैं वो कोर्ट गए हैं अपने तरीकों के साथ और कोर्ट से चाहते हैं कि रास्ता निकले कि जो इनका अधिकार है कम से कम उन्हें मिले इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं धन्यवाद